please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. व्यक्ति हैं संसद में बहुत समय से हैं, मुझसे पहले से हैं, बहुत सालों तक मंत्री रहे हैं. जब विश्व की अर्थव्यवस्था तेजी से चलती है तो स्वाभाविक है कि सभी देशों को उसका लाभ होता है. और जब हम विकास दर को मेजर करते हैं तो उस वक्त पूरी दुनिया की स्थिति क्या थी. जब विश्व में बूम पीरियड आता है, तेजी आती है, और उस तेजी के दौरान स्वाभाविक है कि 2003 में वो आरंभ हुई, भारत को भी उसका लाभ हुआ था. लेकिन बाद में जब चुनौतियां आई तो एक बार सिर्फ याद कर लीजिए कि क्या स्थिति थी जिसमें छोड़कर गए. आज आपने न्यू सीरीज जीडीपी की जिक्र किया, लेकिन ये न्यू सीरीज जब लागू हुआ तो कोई 2014-15 से लागू नहीं हुआ, 11-12 से लागू हुआ. और आपके सरकार के भी जो आखिरी 3 साल थे उसी रिवाइज्ड सीरीज के हिसाब से. और रिवाइज्ड सीरीज के पीछे ये उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्था का चरित्र बदला है, उसमें काफी आइटम्स और विषय आए हैं, और इसलिए जो वास्तविकता अर्थव्यवस्था की है वो उस जीडीपी में रिफ्लेक्ट हो जाए. और आपका अनुभव भी आपको बतलाएगा कि अक्सर सरकारें, और मैं मानता हूं आपकी सरकार में भी यह रहा होगा, कि जो संस्थाएं इसको मेजर करती हैं सीएसओ वगैरह, और उसमें 2% तक नीचे जाती रही है. और आज जाने के पीछे इसलिए कारण है कि एक तेल की कीमत एक कारण है, हाउस रेंट अलाउंसेज 7th Pay Commission के अभी रिलीज हुए हैं, और इन दिनों में थोड़ा वेजिटेबल प्राइसेस अपने आप में उनका बढ़ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. आपने कहा कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट, अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट जिस कैपिटल फॉर्मेशन पे आपने कहा जो चैलेंजिंग था, पिछले क्वार्टर का डेटा अगर आप देखें तो दोबारा से पॉजिटिव टेरिटरी में 4.7% के करीब आना शुरू हुआ है. और उसी तरह से जितने ये अपने आप में आंकड़े, आज के नॉन फूड क्रेडिट 10% के बीच में जो पिछले महीने का आंकड़ा आया है, तो इसलिए चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उस स्थिति में से, और ये पूरे विश्व की स्थिति रही, देश की असर रहा, लेकिन उसका एक असर हिंदुस्तान के ऊपर जो पड़ा, हम कंसिस्टेंटली 7% से 8% तक के ग्रोथ रेट, और हम एकमात्र अर्थव्यवस्था थे जो इस चुनौती काल में उस 7 से 8% तक की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंदर अपने आप को मेंटेन कर पाए. इस अवधि काल में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट धीमी थी, हमने पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, और ये जो 7-8% की ग्रोथ रेट आई, 7.5-8% की, उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट का रोल था. और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के दुनिया में हम सबसे बड़े रिसिपिएंट बन गए. इस साल भी पहले 2 क्वार्टर्स की हम देख ले तो 37 बिलियन के करीब बन गई है. और इसलिए ये दोनों मिलाकर, और अब तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के भी संकेत आरंभिक आने अपने आप में आरंभ शुरू हुए हैं. इस परिस्थिति में सरकार की योजनाओं का, इस देश के अंदर बहुत ऑथेंटिक इंप्लॉयमेंट डेटा आता है हर बार, ऐसी स्थिति नहीं है. अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज होता है, लेकिन इस चुनौती को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अपनी योजनाएं भी उसी दृष्टि से बनाई थी. और आपने कहा कि बिल्कुल बैंकिंग सिस्टम के सामने, हमने यहां प्रश्नकाल में भी पिछले 2-3 दिन पहले चर्चा की थी. आज हम सारे साधन लाकर बैंकिंग सिस्टम में डालने की कोशिश कर रहे हैं. और कई बार जो मित्र ये करते हैं, ये बहुत विचित्र स्थिति है कि उद्योग के कुछ लोग बैंक का पैसा ना दे और हमें टैक्सपेयर का पैसा इसलिए बैंक में डालना पड़े. ये जो बेल आउट हम लोग कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक सरकार की मालकियत के हैं, इसलिए हम लोगों की एक प्रकार से कानूनी भी और नैतिक जिम्मेवारी भी है उनको जीवित रखने की.
और इसलिए इतना बड़ा रिकैपिटलाइजेशन प्लान कि 2,12,000 करोड़ रुपया बैंकों के अंदर डाला जाए और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम बनाए रखें, उसके पीछे उद्देश्य केवल यही है कि बैंक्स की जो क्षमता है विकास को सपोर्ट करने की, ग्रोथ को सपोर्ट करने की, वो अपने आप में कमजोर ना हो। ये जो रेकलेस लेंडिंग हुई जिसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं हुआ, उससे बैंक्स की क्षमता ग्रोथ को सपोर्ट करने की, विकास को सपोर्ट करने की अपने आप में एडवर्सली इफेक्ट हुई और उस कमजोरी से जूझते हुए उसका भी असर उस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर हुआ है जिसको लेकर आप अपनी टिप्पणी कर रहे थे। और इसलिए उन बैंक्स की उस क्षमता को हम लोग बढ़ाएं, इन्हीं बैंक्स को इसी तरीके से सरकार की जो योजनाएं रही हैं, आपने कहा कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट, इस साल तो 10,00,000 करोड़ से ज्यादा की एग्रीकल्चरल क्रेडिट है और उसका अपटेक हो रहा है जो दिया जा रहा है बैंकों की तरफ से। मुद्रा योजना के तहत 7.5-8 करोड़ लोगों को ट्रांजैक्शंस किए गए हैं जिसमें छोटे बड़े लोन छोटे उद्योगपतियों को दिए जाए ताकि जो इसको हम इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं उस इनफॉर्मल सेक्टर को इस परिस्थिति में उस पर ऊपर असर ना पड़े। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं अभी तक आंकड़े देखता रहा हूं, कई बार हम लोग ये टिप्पणी बार बार कर देते हैं कि जीएसटी का क्या उस स्मॉल सेक्टर के ऊपर असर पड़ा है। हम लोगों को यह लगा कि छोटे उद्योग के ऊपर असर पड़ सकता है, तो उसी वक्त जीएसटी काउंसिल ने जो कॉम्पोजिशन स्कीम बनाई कि आज 1 करोड़ तक की जिसकी ट्रांजैक्शन है, 1 करोड़ तक की, वो 1,00,000 रुपया 1% दे के 1% उस ट्रांजैक्शन के ऊपर देकर अपनी टैक्स लायबिलिटी कंपाउंड कर सकता है। अब 1% की टैक्स लेवी, ये रेट तो शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा जो छोटे और लघु उद्योग को दिया गया है और जिसका 1 करोड़ तक का टर्नओवर है। और अब काउंसिल ने यह कहा कि इस 1 करोड़ की सुविधा को 1.5 करोड़ तक ले जाया जाए। दिस इज द लास्ट रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, कि यानी जिसकी 1.5 करोड़ तक की, 1.5 करोड़ ट्रांजैक्शन, दे जस्ट पे 1% फॉर अ कंपाउंडिंग इटसेल्फ। कई ऐसे आइटम्स हैं उसको बाहर रखा गया। सेक्शन 9(4) में जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म था, कुछ छोटे लोगों को लगा इसका अभी हम पे असर पड़ेगा, तो उसका ऑपरेशन काउंसिल ने कहा हम अबेयंस में रखते हैं। और ये जो बार बार कई चीज हम लोगों का तकिया कलाम बन जाता है, तो कंपाउंडिंग का अभी तक टोटल टैक्स जितना आया देश में, जिससे लगा कि इसने टैक्स से सारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा असर पड़ा है, कई बार हम नारे के रूप में बार बार इसको कह लेते हैं और फिर फिल्मों का डायलॉग इस्तेमाल करके उसको एक्सप्लेन करते हैं, 16,00,000 उद्योगों ने अपने आप को रजिस्टर किया है और उन्होंने 250 करोड़ रुपया टोटल जमा कराया। तो इसलिए कितना एडवर्स असर आया होगा उस 1% बेसिस पे पूरे देश के अंदर, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की आप लोग बात कर रहे, एक स्थिति बन गई थी कि किस स्थिति में उसको छोड़ के गए थे। हाईवे सेक्टर एक बूमिंग सेक्टर था, हाईवे सेक्टर में यह स्थिति थी कि टेंडर दीजिए और कोई टेंडर का जवाब देने को तैयार नहीं था। उस सेक्टर को दोबारा से बूमिंग, आज 255 हाईवेज अंडर कंस्ट्रक्शन है, रूरल रोड्स, कोई भी सांसद, विशेष रूप से जो लोकसभा के सांसद हैं उनके ऊपर इसका ज्यादा असर प्रभाव पड़ता है। आज राज्य सरकारों के साथ मिलके, राज्य की सरकार इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उसका पैटर्न 2/3, 1/3 है ग्राम सड़क योजना का, 27,000-28,000 करोड़ रुपया हर साल ग्राम सड़क योजना के अंदर जा रहा है और आप उस दिशा में जा रहे हैं कि जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जितनी सोशल सेक्टर स्कीम्स आपके जमाने से भी जो शुरू हुई थी, कोई ऐसी नहीं जिसमें 1 रुपया कम ना हो, सरकारी साधनों के मुताबिक एक ना बार उसका बढ़ता रहा है।
लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आपने ठीक कहा कि इस देश की एक खूबी है और मैं इस देश की वो ताकत मानता हूं कि इवन एट अ गुड 7-8% ग्रोथ रेट इंडिया इज नॉट अ सैटिस्फाइड नेशन. वी आर नॉट इवन सैटिस्फाइड इफ वी आर द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. वी एस्पायर फॉर मोर. दैट्स एन एस्पिरेशनल इंडिया. दैट्स अ गुड साइन. और इसलिए जितने कदम हम लोगों ने उठाए हैं उनमें कई कदम ऐसे थे जिसकी शॉर्ट टर्म में हम लोगों को कीमत देनी पड़ी, लेकिन मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मीडियम और लॉन्ग टर्म में उनका असर इस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर देखने को मिलेगा और आने वाली पीढ़ियां ये याद रखेंगी कि इन कदमों से एक नया आर्थिक इतिहास इस देश का लिखा गया है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Yes. मैसेज फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल. Sir, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 4th of January 2018 agreed to amendments made by the Rajya Sabha in the National Bank for Agriculture and Rural Development Amendment Bill 2018. That was Finance Minister Arun Jaitley speaking in the Rajya Sabha, slamming the opposition really for criticizing the government on various issues. And with that, it's a wrap on this edition of Reporter's Diary. Many thanks for watching, but do stay tuned to CNBC TV 18